अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ डोनट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को छोड़िए, आपके घर के बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। एकदम परफेक्ट रेसिपी है, सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। है तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें इस रेसिपी के लिए टोटल 3 कप मैदा लगने वाला है। ये मेरा 240 ml का कप है, तो इससे मैंने भरकर 3 कप मैदा ले लिया है। लेवल करके मैदा लेंगे, एकदम भरकर दबा दबा कर मैदा नहीं भरेंगे, इससे मेजरमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो 3 कप हमने मैदा ले लिया है, इसे किसी छन्नी की मदद से हमें छान लेना है। छानना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसे स्किप ना करें। उसके बाद हमें लगने वाला है बटर। बटर हमें लगेगा 50 ग्राम। तो आप देख सकते हैं 15 ग्राम बटर 2 से 2.5 बड़े चम्मच होता है। तो बटर मेजर करके हम इसे साइड में रख लेंगे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। अब एक ग्लास में हमें ले लेना है 1/4 कप वाटर, जो कि नीम गर्म होगा। उसमें हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और 1 टीस्पून हमने लिया है शुगर। सारे ही मैं मेजरमेंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। तो इसे भी हमें साइड में रख लेना होगा 5 मिनट के लिए। उसके बाद एक बाउल में हम ले लेंगे अंडा और उसमें हमें ऐड करना होगा 1/2 कप चीनी, 1/2 कप शुगर लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंड शुगर, बारीक शुगर भी ले सकते हैं। इसके बाद 1/2 कप ही इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क अगर आपका ठंडा होगा तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करें कि जो चीनी है वो अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। प्रेशन के हमें ये 3 मेन स्टेप्स है, जैसे कि आटा हो गया और उसके बाद है ईस्ट का मिक्सचर और ये थर्ड है अंडे का मिक्सचर। तो इन सभी को हम रेडी कर लेंगे। साइड बाय साइड जो हमने ईस्ट ऐड करके रखा था पानी में, वो भी ब्लूम हो जाएगा। तो ये जो आटा हमने छान कर रख लिया था, उसमें हम ऐड कर लेंगे बटर। बटर रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, एकदम मेल्ट करके हमें नहीं लेना है। एकदम सॉफ्ट हो, रूम टेम्परेचर पर हो, वही हम लेंगे। बटर को हमें मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हाथों की मदद से हमें इस तरीके से बटर को मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा मैदा कुछ हो जाएगा जब हम इसमें ऐड कर लेंगे बटर। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ईस्ट का मिक्सचर रखा था, ईस्ट को पानी के साथ घोल के रखा था। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से माशाल्लाह राइस हो चुका है। अगर आपका ईस्ट अच्छा होगा तो आपका जो पानी के साथ हम जब ईस्ट मिलाएंगे तो अच्छी तरीके से राइस करेगा, उसके बाद ही आप ऐड करें इसमें। अगर आपका पानी ईस्ट राइस नहीं हुआ तो समझ लें कि आपका ईस्ट अच्छा नहीं है, तो आप आगे मेहनत ना करें। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा, हम अंडे और दूध का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमें इसी में पूरा आटा लगाना है, बिल्कुल भी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। बल्कि जो हमारा आटा लगेगा वो एकदम स्टिकी स्टिकी और एकदम ढीला सा होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि जब हम इसे नीट करेंगे आगे तो वो अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया ताकि आप बोर ना हो। तो ये आटा हो चुका है इकट्ठा, एकजुट हो चुका है। अब इसे हमें नीट करना है। अब बराबर घड़ी में टाइम देखकर ही नीट करें, एकदम 7 मिनट तक ज़रूर इसे नीट करेंगे हम, ताकि जो आटे में इलास्टिसिटी जो है वो अच्छी तरीके से आए, मतलब इसमें ग्लूटेन अच्छी तरीके से फॉर्म हो जाए। ओके, तो हमें इसे नीट करते रहना। आप देख सकते हैं कि आटा स्टिकी भी है, सॉफ्ट भी है, लेकिन जो है प्लेटफॉर्म पर चिपक नहीं रहा है। इस तरीके से ऐसे एक पर्दा फॉर्म होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो आटा है वो अच्छी तरीके से नीट हो चुका है। तो अब इसे हमें ब्लूम होने के लिए रखना है। आटे को अच्छी तरीके से हम एक गोला सा बना लेंगे और एक किसी बर्तन में हम नीचे सबसे पहले बटर लगा लेंगे और ऊपर से भी हम बटर लगाएंगे, ताकि जो है ऊपर से जो आटा है वो फटे ना और ड्राई ना हो। उसके बाद इसे हमने रख दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ही मेरा जो आटा है वो राइस हो चुका था। आप चेक करते रहे, गर्मियों के मौसम में जल्दी से राइस हो जाता है। अगर आप इसे ज़्यादा 2 घंटा या 3 घंटा रख देंगे तो जो इसमें ईस्ट की स्मेल आने लग जाएगी, बस इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आटे को हम फिर से प्लेटफॉर्म पर निकाल लेंगे और थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करके इसे 2 मिनट के लिए फिर से नीट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं,
तो एक हिस्से को अच्छी तरीके से रोटी के जैसा बेल लेंगे हम, लेकिन हम इसकी थिकनेस रखनी है 1 सेंटीमीटर तक की थिकनेस, मोटी थिकनेस रखनी है। तो इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे आटा डस करके। अगर आपको लगे कि स्टिक हो रहा है तो आप आटा डस कर सकते हैं, और किसी भी अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उसकी मदद से भी काट सकते हैं। मैंने एक ग्लास की मदद ली है, ग्लास से हम इस तरीके से बड़ा राउंड कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली कट जाता है, और इसे अच्छी तरीके से शेप कर लेंगे इसके। अब इसे बीच में से कट करने के लिए मैंने एक नोज़ल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो किसी ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, और इसमें आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। जितने भी साइड का जो बचा हुआ होता है हम इसे फिर से नीट करेंगे, और उसके बाद फिर से इसकी रोटी बनाकर फिर से हम इसे डोनट का शेप दे सकते हैं। तो इसमें लगभग 3 कप में 25 तक डोनट बन जाते हैं। तो इसे हमें बनाकर फिर से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा, जो जिससे होता है कि जो हमारे डोनट है वो अच्छी तरीके से दोबारा से फूल जाते हैं। तो 20 मिनट रखना ज़रूरी है। तो सारे डोनट्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, और माशाल्लाह देख सकते हैं अच्छी तरीके से दोबारा राइस हो चुके हैं। मैंने कुछ डोनट्स को इस तरीके से फ्लावर शेप दे दिया है। उसके बाद जो हमने तेल गरम किया है वो एकदम मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर हमें गरम करना है, और उसके बाद जैसे ही तेल गरम हो जाए उसे हमें फिर मीडियम फ्लेम रख कर डोनट्स उसमें डाल देने हैं। डोनट्स जैसे ही हम इसमें डालेंगे हमें 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ज़्यादा देर तक हमें डोनट्स को फ्राई नहीं करना है। जैसे ही हम इसमें ऐड कर लेंगे तो जो डोनट्स है वो फ्लोट होने लगेंगे। यही डोनट जो अच्छे डोनट होते हैं उसकी निशानी होती है, फ्लोट करें आपके डोनट। और डोनट्स को एक तरफ से 1 मिनट के लिए, दूसरी तरफ से 1 मिनट के लिए हम सेक लेंगे। तो डोनट्स को 1-1 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने के लिए। माशाल्लाह से गोल्डन ऐसा रंग आना चाहिए, उसके बाद आप इसे निकाल लें, और ठंडे होने के बाद आप इसे किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तोड़कर बता रही हूँ कि किस तरीके से कितने सॉफ्ट बने, अंदर से आप टेक्स्चर भी देख लें इसका। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। मैंने इसे सर्व किया था चॉकलेट ग्लेस के साथ, वाइट चॉकलेट ग्लेस और डार्क चॉकलेट ग्लेस के साथ। आप इसे चाहे तो सिनेमन और शुगर से भी कोट करके सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।